नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का छठा भाग। व्यंग्य और क्रोध में आग और तेल का संबंध है। व्यंग्य हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है जैसे छेनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विह्वल होकर बोली, अच्छा तो जवान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है बकते जाते हो। मैं तरह दिए जाती हूं उसका यह फल है। मुझे कोई उल्टा समझ लिया है? गजाधर, मैं तो ऐसा ही समझता हूं। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, ईश्वर तुमसे समझेंगे। गजाधर, चली जा मेरे घर से, राण कोसती है। सुमन, हाँ यों कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते, मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहां मजूरी करूंगी वहां पेट पाल लूंगी। गजाधर, जाती है कि खड़ी गालियां देती है। सुमन जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी। घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा लो जाती हूं। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर एक मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहां कोई काम नहीं है। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशा रूपी दीपक को बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया कि अब यह घर मुझसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूंगी। सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल गई। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी। वह समझती थी कि गजाधर अब भी मनाने आवेगा, इसीलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भीग गया था। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़ जोर से बंद कर लिए। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था जो सदैव के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। सोचने लगी, कहां जाऊं? उसे अब ग्लानी और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध भी आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए था। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसके लिए दो चार घुड़कियां बहुत थी। यह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया, विनती की, खुशामद की, रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी ना होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुंह न मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए थे। मैं ऐसी गई बीती हूं कि अब वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो फिर मैं ही क्यों उन्हें मुंह दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं होती हैं? मैं भी अब अनाथा हूं। वसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है, एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशनी। प्रेम वसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को वसंत समीर महीनों में खिलाती है उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिराहने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि कहां जाऊं। उसकी सहकर्चियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी, वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिसके लिए उसका मन बरसों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में बाधा ना थी। लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकीरे को दूर से देखकर प्रसन्न होता है पर उसके निकट आते ही भय से मुंह छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बेड़ी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं, वहीं खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और परी रहूंगी, आगे ईश्वर मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्म सिंह के घर जा पहुंची।
मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे, कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाएं। कोई माला फेरता था, मगर उसके दानों से उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर रात की पूरियां समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जितना कहार को जाते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा, घर से निकाल दी गई हूं। सुभद्रा, अरे कि यह किस बात पर? सुमन, यही कि रात मुझे यहां से जाने में देर हो गई। सुभद्रा, इस जरा सी बात का इतना बतंगर? देखो मैं उन्हें बुलवाती हूं, विचित्र मनुष्य हैं। सुमन, नहीं नहीं उन्हें ना बुलाना, मैं रो धोकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया ना आई, मेरे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूं, मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा, चलो ऐसी बातें ना करो, मैं उन्हें बुलवाती हूं। सुमन, मैं अब उनका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा, तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? सुमन, हां अब ऐसा ही है, अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा अभी क्रोध में कुछ ना सूझेगा, दो एक रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा मुंह हाथ धो डालो, आंखें चढ़ी हुई है, मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो, कुछ देर सो लो फिर बातें होंगी। सुमन, आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता? अब तो तुम्हारी शरण में आई हूं, शरण दोगी तो रहूंगी, नहीं तो कहीं मुख में कालिक लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, यही पड़ी रहूंगी, अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े, एक अपरिचित स्त्री को उसे पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चय किया कि चलकर गजाधर को बुलाऊं और समझा कर उसका क्रोध शांत कर दूं। इस स्त्री का यहां से चला जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर जाकर तुरंत गजाधर के बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। उधर गजाधर को ज्यों ही मालूम हुआ कि सुमन पंसिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विठ्ठलदास के पास गया, उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु उदार और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपने वादी के प्रति लेश मात्र भी सहानुभूति ना थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पद्म सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वे यह समाचार सुनते ही फूले न समाए, शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर इसकी सूचना दे आए। लोगों को कहते, देखा आपने, मैं कहता ना था कि यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकालकर अपने घर में रख लिया, बेचारा पति चारों ओर रोता फिरता है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भाप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह ना समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही है। आश्चर्य तो यह था कि जो शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी उस पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीत ने किसी काम से बाहर गया, चारों ओर यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन की क्या रंग ढंग है? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया बहू जी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, इस पर बाजार में बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि यह गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन रहे थे, एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की भी सुधी न रही, उन्हें जिस बात का भय था वह हो ही गई। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ।
मूर्तिवत खरे सोचते रहे कि क्या करूं, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि उसे घर से निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा क्या वश है, किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए, इसे क्या पड़ी थी, उसे अपने घर में ठहराया, मुझसे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है, दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी, मगर यहां से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहां, यहां तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा, आज दूसरा दिन है उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है, इसके सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। यह विवेचन करके वह जीतन से बोले, तुमने अब तक मुझसे क्यों ना कहा। जीतन, सरकार मुझे आज ही तो मालूम हुआ है, नहीं तो जान लो भैया मैं बिना कहे नहीं रहता। शर्मा जी, अच्छा तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने से उनकी बदनामी हो रही है, जिस तरह बन पड़े आज ही यहाँ से चली जाए। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना, खूब समझाकर कहना कि उनका कोई वश नहीं है। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती है जो उनके स्वामी के मुँह लगे होते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी, बुढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं, वह गवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला, काले को उजला करने का ढंग उसे ना आता था। यद्यपि शर्मा जी ने समझा दिया था कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी, जीतन की आवाज सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो, वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहां से चली जाओ, सारे देश भर में बदनाम कर दिया, तुमको लाज नहीं है, उनको तो नाम की लाज है, बाड़ा आप गए, चार हाथ की पगैया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी तो आकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो। जीतन, कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है कि यहां से अभी चली जाए, देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा, तुम जाकर जरा उनको यहां भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू थे, खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो, कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़ी ही रहता है, मैं अभी चली जाती हूँ, अब इस चौखट के भीतर कभी पांव नहीं रखूंगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं, उस समय बेमुरवती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा। सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा न थी, उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसने शर्मा जी को दुरात्मा, भीरू, दया शून्य और नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी से डरते हो, तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है, अभी कल तक एक वैश्या के साथ बैठे फूले न समाते थे, उसके पैरों तले आंख बिछाते थे, तब इज्जत ना जाती थी, आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लग गया। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहां जाऊं, गजाधर की निर्दयता से भी उसे इतना दुख ना हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की, मैं तो सुभद्रा के बल पर कूद रही थी, मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मुझे मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं, अपने घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे दूसरों की चिरौरी करने की जरूरत ही क्या, क्या मेरा कोई घर नहीं था, क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी, दो चार दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता तो आप ही चली जाती। उफ नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है, मुझे इनके घर को भूल कर भी ना आना चाहिए था, मैंने अपने पांव में आप ही कुल्हाड़ी मारी, वह अपने मन में न जाने क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहां जा रही हूं, वह कदापि मुझे घर में न घुसने देंगे, मैंने कितनी विनती की पर उन्होंने एक न सुनी,
जब केवल रात को कई घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं सामत की मारी वहां आई जहां मुझे ना आना चाहिए था। वह अब मुझे दूर से ही दुत्कार देंगे। यह दुत्कार क्यों सहूं? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह कमा लूंगी, कपड़े भी सीऊंगी तो खाने भर को मिल जाएगा, फिर किसी की धौंस क्यों सहूं? इनके यहां कौन सा मुझे सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पेड़ों में पड़ी हुई थी, और लोक लाज से मुझे वह रख भी ले तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लूं। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सुलूक ना करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी भी दया ना करेगी? अमोला चली जाऊं तो कैसा हो? लेकिन वहां पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई है, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है, मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने ना दे तो क्या गंगा तो कहीं नहीं गई है? यह सोचकर सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती थी कि कहीं गजाधर ना आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहां क्यों जाऊं? किसी पड़ोसन के घर जाने से काम ना चलेगा? इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुलाया। सुमन ऊपर चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गई। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श, मसनद, चित्रों और शीशे के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान रखा हुआ था, दूसरी चौकी पर चांदी की तस्तरी और चांदी का एक ग्लास रखा हुआ था। सुमन यह सामान देखकर तंग रह गई। भोली ने पूछा, आज यह संदूकशी लिए इधर कहां से आ रही थी? सुमन, यह राम कहानी फिर कहूंगी, इस समय तुम मेरी ऊपर कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक कर दो, मैं उसमें रहना चाहती हूं। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों? क्या शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन, नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं है, अपना जी ही तो है। भोली, जरा मेरे सामने ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है, क्या बात हुई है? सुमन, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं है, अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो कोई क्यों रहे? भोली, अरे तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं, किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन, बिगड़ने की कोई बात नहीं है, जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? भोली, तुम लाख छिपाओ, मैं तार गई सुमन, बुरा न मानो तो कह दूं, मैं जानती थी कभी न कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ा और कहीं लड्डू टट्टू जुट सकते हैं? तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं है वो। तुम हो कि निभा रही हो, दूसरी होती तो मियाँ को लात मारकर कहीं भी चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो मैंने अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती। मगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। भोली, 2-3 साल की और कसर रह गई, इतने दिन और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती, मालूम हो जाता कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हमें जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि माँ बाप जिसके गले मढ़े हैं बस उसी की हो रहे। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता? यह बेहुदा रिवाज यही लोगों की है कि औरत को इतना जलील समझते हैं, नहीं तो और सब मुल्कों की औरतें आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं और उससे रास नहीं आती तो तलाक दे देती हैं, लेकिन हम सब वही पुरानी लकीरें पीटते रहती हैं। सुमन सोचकर बोली, क्या करूं बहन, लोक लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे मालूम होता है। भोली, यह सब उसी लिहाजत का नतीजा है, मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था, उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी, मैंने किसी तरह 6 महीने काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है,
जिंदगी का मजा ही ना मिला तो उससे फायदा ही क्या। पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकलने की देरी थी, फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदें करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया, बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारों में मेरे मुजरे होते हैं, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं, इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं? अभी एक आदमी भेज दूं तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौरे चले आवे। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे तो समझा करे। सुमन, भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा? भोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा। यहां गाने को कौन पूछता है, द्रुपद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चली हुई गजलों की धूम है। 2-4 ठुमरियां और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं और बस, फिर तुम ही तुम हो। यहां तो अच्छी सूरत और मजेदार बातें चाहिए, सो खुदा ने यह दोनों बातें तुम में कूट कूट कर भर दी हैं। मैं कसम खा के कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा। यही बुला मालूम होता है कि, भोली, हाँ हाँ कहो, यही कहना चाहती हो ना कि ऐसे ऐरे गैरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बाद को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ ऐरे गैरे के आने की हिम्मत ही नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है तब तो तबीयत आप ही आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान ही नहीं होता, लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत ना मिले तो उसे बातों में लगाए रखो, जहां तक उसे नोचते खसोटते बनो नोचो खसोटो, आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा, उसके दूसरे भाई और आ फंसेंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती है, क्या शौहर से नहीं होती? जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है, उसी तरह यहां होता है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान ठीक कर दो। भोली ने तार लिया कि मछली चारा कुतरने लगी, अब शिस्त को कड़ा करने की जरूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन, तुम्हारे साथ ना रहूंगी। भोली, बदनाम हो जाओगी, क्यों? सुमन ने झेप कर कहा, नहीं यह बात नहीं। भोली, खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन, तुम तो हंसी उड़ाती हो। भोली, फिर क्या पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे? सुमन, अब तुमसे क्या कहूं। सुमन के पास यद्यपि भोली को जवाब देने के लिए कोई दलील न थी, भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था। यद्यपि अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक घृणा होती है, वह उसके हृदय को डवांडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में ना कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग के पके फल को देखकर ललचाता है, पर माली के ना रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो? मैं अभी अपने मामा को बुलवाकर ताकीद कर दूं। सुमन, यही 2-3 रुपए। भोली, और क्या करोगी? सुमन, सिलाई का काम कर सकती हूँ। भोली, और अकेली ही रहोगी? सुमन, हाँ और कौन है? भोली, कैसे बच्चों की सी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है, भला अकेले शहर में एक दिन भी तेरा निभा होगा? दिन दहाड़े आबरू लूट जाएगी, इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छे कि तुम अपने शौहर ही के पास चले जाओ। सुमन, उसकी तो सूरत देखने को भी जी नहीं चाहता, अब तुमसे क्या छिपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था, उनकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती हैं, उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया था और 12-1 बजे तक मुझे आने न दिया। जब तुम्हारा गाना खत्म हो चुका तो मैं घर आई, बस
इतनी सी बात पर वह इतने बिगड़े कि जो मुंह में आया बकते रहे, यहाँ तक कि वकील साहब से भी पाप लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत न दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच में साक्षी देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें बनाने का बड़ा यत्न किया, रोई पैर पड़ी, पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है? वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन, और सब दुख था पर यह संतोष था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिख मुंह में लग गई, अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े पर उस घर में न जाऊंगी। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आई। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा पहले हाथ मुंह तो धो लो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। सुमन, यहाँ पानी मिल जाएगा? भोली ने मुस्कुराकर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा, मेरा कहार हिंदू है, यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं, उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है। भोले की बूढ़ी मामी सुमन को गुसल खाने में ले गई। वहां उसने साबुन से स्नान किया, तब मामी ने उसके बाल गूथे, एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए लाई। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोली, जरा आईने में मुंह देख लो। सुमन शीशे के सामने गई, उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी। लज्जायुक्त अभिमान से मुख कमल खिल उठा और आंखों में नशा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली ने अपनी मामी से कहा, क्यों जहुरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे पंजे में। जहुरन बोली, तलवे सहलाएंगे तलवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयां लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख शोक छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में क्यों रहूं? भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो क्या कह दूंगी? सुमन ने कहा, कहला देना कि यहां नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्रदास को, जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर भ्रमर की भांति मन रहेंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने आता है और फीस के रुपए अपने हाथों से नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब रुपए उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है। धन्यवाद।